राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज 2 जून है, ईशान के दादाजी की पुण्यतिथि है, आज बाबूजी की पुण्यतिथि है। तो आज खीर बनाए हैं और ये छोले बनाए हैं, और अभी सात्विक भोजन हम लोग कर रहे हैं तो बगैर लहसुन प्याज का ही है ये सब। और सोचे पूड़ी बनाएंगे लेकिन माँ मना कर दी। हम दाल डाले हुए थे तो सोचे कि चलो जब पूड़ी नहीं बना रहे हैं दाल की तो दाल का पराठा ही बना दे रहे हैं, जिसे बहुत जगह पूरन पोली भी बोलते हैं, तो वही बना रहे हैं अभी। ये दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है और थोड़ा सा लेट हो गया है, तो ईशान को भूख लगी है तो वो आकर देख रहा था। हालांकि मतलब ऐसा इतना लेट होता नहीं है, बैठे रह गए और लीची वगैरह दिए थे उसको, इस कारण से अब तो 3 बजने वाला है। लेकिन बच्चा है ना, कुछ कुछ खा लेता है बीच में, तो उतना तो नहीं, लेकिन उसको भूख लगती है तो बोलेगा नहीं। और जब देख रहा है मम्मी बना रही है तो पूछ रहा है ये क्या बना रही हैं आप, तो वही होता है। 15 साल हो गए बाबूजी के गए हुए और हम सोचते हैं कि माँ के तो 4 बच्चे हुए, हालांकि ईशान के पापा तो अब नहीं रहे, लेकिन फिर भी इतना कष्ट जीवन में कि पास में बैठकर बात करने वाला, दुख सुख बांटने वाला एक भी औलाद उनके पास नहीं। और मेरा तो एक ही है, पता नहीं मेरी क्या गति होगी, लेकिन जो किस्मत में लिखा होगा वो तो झेलना ही होगा। लेकिन माँ को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अखरता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और ये बात सही है कि औरत का जीवन कहाँ है, बच्चों के लिए औरत इतना सैक्रिफाइस करती है, दिन में पूरा काम करते हुए भी जब बच्चे छोटे होते हैं और बच्चे सो नहीं पाते तो माँ पूरी रात जगकर गोद में लेकर बिता देती है, लेकिन फिर भी बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती है। लेकिन देखिए, बच्चों के पास माँ के लिए टाइम नहीं होता। ये बात सही है कि अभी सबके लाइफ में टेंशन है, परेशानियां हैं, कोई इस बात को डिनाई नहीं करता, लेकिन कम से कम सभी से ये अनुरोध है जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं कि माँ भले ही 60 साल की हो जाए, 80 साल की क्यों ना हो जाए, कम से कम प्यार से 2 मिनट बात ज़रूर कर लिया कीजिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और जब ये वक्त निकल जाएगा ना तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा कि हाँ काश हम थोड़ा सा वक्त दिए होते, क्योंकि दुनिया में सबसे निस्वार्थ अगर कोई रिश्ता होता है ना तो वो माता पिता और बच्चों का ही होता है। और माँ का बच्चों के साथ तो रिश्ता जन्म से पहले से जुड़ा होता है, और वो बच्चे जब इग्नोर करते हैं ना तो सच में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि दुनिया में यही एक ऐसा रिश्ता है जिसमें किसी भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता है। खैर चलिए, खाना निकाल लेते हैं अब, और ये वॉइस ओवर हम कर रहे हैं और बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए, क्योंकि सच में कभी कभी हम सोचते हैं कि पता नहीं मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आगे आएगी और कितनी ज़्यादा, कितना परेशानी और कितना स्ट्रगल मुझे झेलना होगा। ये तो खैर भविष्य के गर्त में है, जिसकी शुरुआत तो मैं बोलूँ तो हो ही चुकी है, लेकिन खैर फिर भी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। माँ के साथ तो ऐसा था कि बाबूजी जब गए तो एक उम्र भी थी उनकी, लेकिन मेरे सामने तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो बस अब खाना निकाल लेते हैं, ईशान भी भूखा है, माँ को भी लेट हो रहा है, तो खाना दे देते हैं और आप लोग से लेते हैं विदा, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।